हाय वॉस, मैं हूँ डॉक्टर प्रेम जी आयुर्वेदिक। आज मैं इस वीडियो में आपको कुत्ता काटने पर यानी इस कुत्ता काटने पर अपना पूर्वज लोग इस एलोवेरा को यूज़ करके अपने को कैसा इस कुत्ते की जहर से बचने वाले हैं ये आपको मैं इस वीडियो के द्वारा बताने वाला हूँ। तो आप अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी नया वीडियो अपडेट पाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने से आपको अच्छा सा जानकारी मिलने वाली है। आपको इसके लिए चाहिए होता है ये है एलोवेरा और दूसरी है ये सैंधा नमक। ठीक है, इस सैंधा नमक का भी ज़रूरत पड़ता है। अभी इसे कैसा बनाना है मैं बताएगा। आपको क्या करना है कि इस एलोवेरा को ऐसा लेनी है, इसे बीच में से ऐसा काटने वाला है। ठीक है, देखिए ऐसा बीच में से ऐसा काटने का है। अभी इसे एक टुकड़ा निकालिए, ऐसा बीच में से ऐसा काट कर लेना है। देखिए ऐसा बीच में से कट करनी है। अभी इसका ऊपर ये सैंधा नमक को भी डालनी है। तो देखिए मैं कैसा बना रहा हूँ। ऐसा सैंधा नमक को इसका ऊपर डालनी है। ऐसा डालकर जिधर कुत्ता काटा है उधर क्या करना है कि ये लगाना है। आपको देखिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अब अगर इधर काटा है कुत्ता ने तो देखिए मैं आपको दिखाएगा, समझ लीजिए। अगर इधर कुत्ता ने काटा है तो आपको क्या करना है कि ये ऐसा लगाना है। ठीक है, ऐसा लगाकर इसका ऊपर एक कर्चिप या एक कपड़े से अच्छा सा बांध लीजिए। ऐसा आप रोज दो बार ऐसा करना है, यानी कि 4 दिन ऐसा करने से इस कुत्ते की जहर पूरी तरह यानी अंदर से दूर होने वाली है, यानी जड़ से ठीक होने वाली है, ये जहर पूरी तरह जाने वाली है। तो ऐसा दिन में दो बार 4 दिन तक ऐसा करने से पूरा इस कुत्ते काटने की जहर पूरे जड़ से दूर होने वाली है। और ऐसा अच्छा अच्छा वीडियोस की जानकारी के लिए मेरी इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। और आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।